हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे लोग अच्छे हैं। तो आज हम आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस में। तो आज हम इस ब्लॉग में मैसूर पैलेस को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर ये पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए चलते हैं पैलेस के अंदर। तो अपने चप्पल यहाँ पे चप्पल स्टैंड में सबमिट करके हमने अंदर प्रवेश किया है। एक्चुअली ये जो पैलेस है वो बनवाया गया था 1912 में। इससे पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पैलेस हुआ करता था, जो 1896 में ड्यूरिंग दसरा फेस्टिवल में जल के उसका राख हुआ था। और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो चीफ आर्किटेक्ट थे हेनरी आयरविन करके। तो हमने टिकट चेक करके अंदर एंट्री लिए है। तो हमारे सामने जो दिख रहा है ये अलग अलग तोहफे दिए गए थे रॉयल फैमिली को ड्यूरिंग डिफरेंट फंक्शंस। और हमारे सामने ये जो देख रहा है ये हाथी का सिर है जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये जो दिख रहा है सामने ये है मैसूर रॉयल फैमिली का एम्बलम, जिसे आज भी कर्नाटका गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो अब हम आए हैं कल्याण मंडप में। ये जो सामने पेंटिंग्स दिख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स यहाँ पे हैं। ये जो कल्याण मंडपम है ये स्पेशली रॉयल फैमिली के डिफरेंट फंक्शंस के लिए अभी भी यूज़ किया जाता है। तो हम एक रॉयल वेडिंग का लुक लेंगे, जो कि अभी के महाराजा है उनके वेडिंग के दौरान खींची गई तस्वीर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैसूर पैलेस है इसके पेंटिंग्स बहुत ही अनोखे हैं। जब भी आप मैसूर पैलेस में आएंगे तो ये पेंटिंग्स आप ज़रूर देखना। यहाँ पे कैमरा में तो आपको ये पेंटिंग्स की खूबी नहीं दिखाई देगी। एक्चुअली ये जो सारे पेंटिंग्स हैं ये 3D पेंटिंग्स बनाए गए हैं। आप अगर एक इंसान की तरफ देखोगे और उसको देखते हुए अगर आप आगे चलते हुए जाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है और आपकी तरफ देखते हुए ही मुड़ रहा है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए जब भी आप मैसूर पैलेस में आएंगे, क्योंकि इसके हम कैमरा में इसे देख नहीं पा रहे हैं और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक पॉइंट के ऊपर शूट करना। तो जब भी आप मैसूर पैलेस देखेंगे तो इस पेंटिंग्स को देखना मत भूलिए। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, यह है रॉयल फैमिली से रिलेटेड डिफरेंट पेंटिंग्स। तो इन पेंटिंग्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह रॉयल फैमिली उस टाइम में कैसे रहती थी। और ये जो सामने दिख रहा है पेंटिंग कोने में, यहाँ पे जो वेडिंग के टाइम खींची बनाई हुई पेंटिंग दिख रही है। और भी बहुत सारे पेंटिंग्स यहाँ पे रॉयल फैमिली से रिलेटेड हैं, तो आप इसे ज़रूर गौर से देखिए। और इसमें जो डिटेल्स पेंटर ने दिखाई है वो बहुत ही सही है। ये जो तस्वीरें हैं इनमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही सही से कैप्चर की है पेंटर ने, जो कि आजकल के कैमराज में भी हम अच्छे से इतना कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये है डिफरेंट कैसेट्स। इसका इस्तेमाल पहले ज़माने में यहाँ से वहाँ संदेश भेजने के लिए राजा लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हैं आज भी इसकी कंडीशन कितनी सही है। और ये सारे मोस्ट ऑफ द कैसेट्स है ये लकड़ी से बनाए हुए हैं, और ये लकड़ी बेसिकली टीक वुड, रोज वुड या सैंडल वुड की हुआ करती थी। Thank you.
अभी जो आप ये एरिया खुली जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे ही मैसूर के दशहरा फेस्टिवल में वज्रमुष्टि कलगा का मुष्टि युद्ध होता है। और ये युद्ध की खासियत है, जब भी एक रेसलर का ब्लड निकलता है तभी विजयादशमी प्रोसीजन स्टार्ट होता है। और आज भी हर विजयादशमी फेस्टिवल पे ये वज्रमुष्टि कलगा का आयोजन किया जाता है। तो आप एंटर कर रहे हैं एक रूम में, यहाँ पे रखे हुए हैं डिफरेंट चेयर्स। ये जो चेयर्स हैं ये बने हुए हैं चांदी से, और बीच में जो टेबल रखा है ये इसके ऊपर हाथी के दांत लगाए हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जो चेयर्स है आज भी रॉयल फैमिली उनके डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करती है। यहाँ पे हम सामने डिफरेंट पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सारे पेंटिंग्स 3D है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आप एक पेंटिंग में से एक इंसान को चुनिए और उसके साइड से घूमिए, आपको लगेगा कि वो इंसान आपकी तरफ ही देखते हुए घूम रहा है। ये जो सामने पेंटिंग है डिफरेंट प्रोसेजन के दौरान ही दौरान की झांकियाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स है, तो सारे पेंटिंग्स आप ज़रूर देखना, ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत पेंटिंग्स है। और इतने पुराने पेंटिंग्स होने के बाद में भी ये अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं। और जब भी आप मैसूर आएंगे तो ज़रूर दशहरे में आने की एक बार तो अपने लाइफ में कोशिश कीजिए, क्योंकि मैसूर दशहरा के पूरे 9 दिन के फेस्टिवल में नवरात्र में पूरा शहर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है लाइट्स से। इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे दूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए। अगर आप नहीं आ पाए हैं दशहरा को तो वो देख के आप सही में प्लान कर सकते हो। और जो दशहरा है उसका जो मेजर अट्रैक्शन होता है वो है दशहरा प्रोसेशन, वो है जम्बू सवारी। तो उस जम्बू सवारी में ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गोल्डन हौदा है, तो इसका वेट लगभग 750 kg है और उसको हाथी के ऊपर सवार किया जाता है। पहले ज़माने में इसमें राजा लोग बैठ के प्रोसेशन कंप्लीट किया करते थे, बट अभी इसमें देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को रखा जाता है और पूरे सिटी से ये प्रोसेशन निकलता है। तो एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ आप ये प्रोसेशन ज़रूर देखना। और प्रोसेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं 2018 का जो प्रोसेशन हुआ था उसे। तो अभी हम जा रहे हैं दीवाने आम में, ये है दीवाने आम। सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो कलर कॉम्बिनेशन और जो इसके ऊपर नक्काशी बनाई हुई है वो बेहतरीन और लाजवाब है। और वो उस 1912 में जब बनाया था तब बनाई हुई नक्काशी आज भी ये प्रिजर्व करके रखी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और जब भी आप आएंगे तो थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करना मत भूलिए। पहले ज़माने में राजा यहीं पे बैठ के आम आदमियों के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसे सॉल्व किया करते थे। यहाँ पे जो भी गेस्ट है या और लोग हैं उनको बैठने के लिए अरेंजमेंट की गई है सामने, ऐसे ही अरेंजमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी है। और इस दीवाने आम की एक खासियत है, ये है इसके रूप, ये जो रूप है यानी सीलिंग ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसके ऊपर के पेंटिंग्स और ये जो झूमर है ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो जब भी आप आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं दीवाने खास में, ये सबसे अट्रैक्शन वाली जगह है पूरे पैलेस में। और यहाँ पे अगर आप दशहरा फेस्टिवल में आ सकते हो तो यहाँ पे पूरे 9 दिन राजा का दरबार वैसे ही लगता है जैसे पहले ज़माने में राजा का दरबार होता था। और यहाँ पे जो इंटीरियर है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो भी सीलिंग आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड का ये जो बना है ये टीकूड में बना हुआ है और इसकी नक्काशी बहुत ही बेहतरीन है। इसको देखने के लिए आपको एटलीस्ट वंस यू हैव टू विजिट मैसूर पैलेस। और जो ये सामने देख रहे हैं यहाँ पे बीच में गोल्डन थ्रोन रखा जाता है दशहरा फेस्टिवल के टाइम में, और अदर दैन द ईयर ये कस्टडी में रहता है।
जिसे हम देख नहीं सकते हैं और इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर कॉमन पीपल। और इसका जो सीलिंग है, ये सामने जो येलो दिख रहा है, इसमें कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये अलग मटेरियल से बना हुआ है। ये जो डोर है इसके ऊपर जो नक्काशी है पूरे हाथी के दांतों से बनाई हुई नक्काशी है। अभी जो हम सामने देखने वाले हैं, ये जो मेन डोर है दीवाने खास का, ये दीवाने खास का डोर पूरा सिल्वर से बना हुआ डोर है। ये जो हमारे सामने दिख रही है सारे ज्वेल्स है जो कि हाथियों को पहनाए जाते हैं ड्यूरिंग द दशहरा प्रोसेशन। इसके रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दशहरा प्रोसेशन का, उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी हम पैलेस के बाहर आ चुके हैं। मैसूर पैलेस को आपने इल्यूमिनेटेड इमेजेस में भी देखा होगा, तो इसका इल्यूमिनेशन का भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। जितना ये दिन में सुंदर दिखता है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये रात में दिखता है। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करेंगे।